नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ। शिवम, अटल पथ पर पहला फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया है। आप सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस फुट ओवर ब्रिज की जो लंबाई है वो 53 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अटल पथ पर पहला फुट ओवर ब्रिज बना है उसकी सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आधुनिक तरीके से जो ये फुट ओवर ब्रिज है उसका निर्माण जो है वो किया गया है। और कुछ ही देर पहले बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर टाइल्स भी लगाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों साइड में यहाँ पर लिफ्ट भी लगाए गए हैं कि जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें भी इस फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने में भी कोई सी प्रकार का दिक्कत ना हो। ऐसे में जब आज हमने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, करीब 3.5 करोड़ के लागत से ये ब्रिज बना है, साथ ही फुट ओवर ब्रिज बना है। इसमें लिफ्ट का भी सुविधा दिया गया है लोगों को, क्योंकि बुजुर्गों को भी इधर से उधर जाने में आवागमन में सुविधा रहे। साथ ही इसके मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग ध्यान में है और हम लोग का प्रयास है कि इसको मेंटेन करने में भी हम लोग पूरा ध्यान देंगे। अभी ये BSRDC मेंटेन करेगा। अटल पथ की कनेक्टिविटी जितना इम्पोर्टेंट है, जिसको JP गंगा पथ से हम लोग जोड़ रहे हैं, और JP गंगा पथ से जुड़ेगा तो नॉर्थ बिहार जाने के लिए शहर के बीचों बीच एक रास्ता मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने इसको दीघा एम्स एलिवेटेड से भी ये जुड़ जाएगा, तो अपने आप में अटल पथ अपने आप में एक शहर के बीचों बीच का एक प्रमुख सड़क है। इसलिए हम लोगों ने इसमें ट्रैफिक को मूवमेंट के लिए क्रॉस नहीं करने दिया है। हम लोगों ने जो दो अंडरपास बनाए हैं, 3 अंडरपास बनाए, और उसी के तहत जो लोगों का डिमांड था, माननीय विधायक संदीप चौसिया जी ने डिमांड किया था, तो हम लोगों ने इसके लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया है और 4 स्थानों पर यह एक बनकर तैयार है। और दिसंबर माह तक हम लोग प्रयास में कि अगले 3 को भी हम लोग जनता को सपोर्ट करते हैं। अभी इसका मेंटेनेंस BSRDC करेगा, भविष्य में हम लोग इसको किसी एजेंसी को देंगे। सर, और लिफ्ट भी लगाए गए के निर्माण को लेकर के केंद्र सरकार से भी बात हुई है, नए पथ के निर्माण कौन कौन सी मुख्य सड़क है जिस पर कार्य शुरू हो गया है? देखिए, केंद्र सरकार से भारतमाला प्रोजेक्ट से भी हम लोग लिए हैं, NH के तहत भी कही है। हम लोग का प्रयास है कि 40 किलोमीटर की दूरी पे हमको 4 लेन सड़क मिले, इस सपने को साकार करने में हम लोग लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा रही कि 5 घंटे में हम किसी भी स्थान से पटना पहुंच गए, तो पूरी योजना हम लोग बनाए हैं। और 2030 मिशन का हाईवे हम लोगों ने विजन बनाया है, उस पर हम लोग काम करें। और केंद्र सरकार का बहुत मदद मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और माननीय नितिन गडकरी जी से बिहार में 1,17,000 करोड़ की योजनाएँ चल रही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हम लोग पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे और ऐसे 7 प्रमुख सड़कों को लेने जा रहे हैं, जिसकी सहमति हमको लगता है कि अगले 1 महीने में आ जाएगी। तो ऐसे कई सड़कों का निर्माण चल रहा है। गंगा पे कई ब्रिजों का निर्माण है, जिसमें नया JP गंगा पथ पर हम लोग एक और 4 लेन ब्रिज ला रहे हैं। दिगवारा वाला जो ब्रिज है उसकी भी टेंडर अगले महीने होने वाली है। तो ऐसी सारी योजनाओं का लाभ हमको केंद्र सरकार से मिल रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि अटल पथ पर यह पहला फुट ओवर ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में जो आम लोग हैं उन्हें भी पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अटल पथ पर कोई भी फुट ओवर ब्रिज नहीं था और जो लोग थे उन्हें रोड पार करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में जब ये फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है तो जो यहाँ पर के लोकल लोग हैं उन्हें भी अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।